सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। इस वीडियो में हम शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर का बीएड फर्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। एक सब्जेक्ट का नाम है हमारा टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, शिक्षक शिक्षण एवं तकनीकी। पेपर का कोड है 804। सन 2024 का ये पेपर है। तब टेक्नोलॉजी का हम MSU का सन 2024 का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर हम देखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन इस पेपर में आए थे। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन आते हैं, दो दो के जोड़े में अथवा करके आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। 16 नंबर का हमारा एक क्वेश्चन होता है। तब या तो आप ये कर सकते हैं या फिर आप ये कर सकते हैं, शिक्षा तकनीकी व शिक्षण तकनीकी के बारे में आप लिख सकते हैं, अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, या फिर आप ये अभिकर्मित अनुदेशन वाला कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई भी कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है एडगर डेल का अनुभव शंकु कर लीजिए, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है अपने रेगुलर क्लासेज में। या फिर शैक्षिक प्रबंधन, एजुकेशनल मैनेजमेंट, ये भी मैंने आपको बताया हुआ। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए आए हुए हैं। इसके अलावा शिक्षण व्यूहरचनाओं के बारे में लिख सकते हैं। 4 व्यूहरचनाओं को उदाहरणों से आप व्याख्या कर सकते हैं। या तो आप ये कर सकते हैं क्वेश्चन, या फिर आप ये कर सकते हैं शिक्षक मूल्यांकन की विभिन्न विधियाँ कौन सी हैं, टीचर अगर आप टीचर का मूल्यांकन कर रहे हैं उन विधियों के गुण व सीमाएँ क्या हैं। तो आप ये कर दीजिए, ये थोड़ा आसान है व्यूहरचनाओं वाला, ये आसान है। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की। इसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, 4 हमें करने होंगे। 4 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। तो ये सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा की 2 महत्वपूर्ण प्रविधियाँ, कि बच्चों को अगर आपको अभिप्रेरित करना है तो कैसे कैसे करेंगे, कौन कौन सी प्रविधियाँ हैं, 2 के बारे में आपको बताना है। इसके अलावा ये व्यावसायिक मानक मानकों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो जो हमारी डेली रेगुलर क्लासेज चलती हैं बीएड फर्स्ट ईयर की, ये पेपर वहीं से बना हुआ है। अगर आप में क्लासेज लेते हैं तो इस पेपर को अच्छे से सोल्व कर पाए होंगे। आप भी अगर बीएड फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन डेली रेगुलर क्लासेज लेना चाहते हैं, तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर हमारी डेली रेगुलर क्लासेज चलती रहती हैं सहारनपुर यूनिवर्सिटी के लिए, हर सब्जेक्ट की, बीएड फर्स्ट ईयर के लिए भी, सेकेंड ईयर के लिए भी। इसके अलावा अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, पेड नोट्स के द्वारा पढ़ना चाहते हैं, तब आप पेड नोट्स ले सकते हैं। यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपके नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। पेड नोट्स हैं ये, लेकिन काफ़ी ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए नोट्स हैं। अगर आप ये नोट्स को पढ़ लेते हैं, बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इन नोट्स को पढ़ लीजिए। आप मॉडल वगैरह भी रहने दीजिए। काफ़ी बच्चे होते हैं जो इन नोट्स को पढ़कर ही 80% के समथिंग और उससे ऊपर भी नंबर ले आते हैं। तो ये नोट्स आपके लिए रामबाण का काम करते हैं। इजी लैंग्वेज में हर इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने इन नोट्स में कवर कराया हुआ है। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। 8 शॉर्ट क्वेश्चन है। भाषा प्रयोगशाला, टीचिंग एड्स, ये सब टॉपिक मेरे कराए हुए हैं अपने डेली रेगुलर क्लासेज में। अब अपने थर्ड पार्ट की बात करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, 8 हमें करने होंगे। 2 नंबर के एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। अभिकर्मित अनुदेशन BF स्किनर के द्वारा विकसित किया गया था। तो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें वन लाइनर वाले आ जाएंगे इस तरह से, खाली स्थान वाले आ सकते हैं क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक जो खाली स्थान होता है, सही गलत वाले आ सकते हैं, मैचिंग वाले आ सकते हैं, तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसी तरह से आपको तैयारी करनी है। इसी वजह से हम जो इम्पोर्टेंट हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनकी भी रेगुलर क्लासेज लेकर आते हैं। एक स्पेशल सीरीज चलाते हैं हम अपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की, जहाँ पर हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट के कौन कौन से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे। तो हमारे इनसेट का पूर्ण रूप, ये फुल फॉर्म भी हमने आपको बताई हुई है, NCTE। तो हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से आते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन ये होता है, CAI क्या है, कंप्यूटर के द्वारा अगर हम हेल्प लेकर कुछ पढ़ते हैं तो वो CAI होता है। तो ये आज का हमारा पेपर था। आई होप इस पेपर को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड के सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेना चाहते हैं, तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।